मैं इस टाइम पे हूँ लाओ सोटुन गांव में, यार मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। ये है फार्म, यहाँ पे एक छोटा सा कीड़ा होता है, उस कीड़े का जो बाल होता है ना, उसके बाल से यहाँ पे धागा बनता है। कितना अच्छा लग रहा है ये फार्म। ये हमारी फिदालिया दोस्त का घर है, ये दोनों दोस्त हैं, पर मेरे से पता नहीं क्यों दोस्ती कर ली। इसी पेड़ में वो ब्लैकबेरी फ्रूट होता है, इसी में वो कीड़ा होता है। देख सकते हो वो टावर दिखाई दे रहा है, वो BSNL का टावर है। बहुत बढ़िया सीन है यार, बहुत अमेजिंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत करता हूँ मैं आपको अपने वीडियो में, और मैं इस टाइम पे हूँ लाओ सोटुन गांव में, यार मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। लाओ सोटुन गांव का नाम है, क्योंकि यार मैं खासी नहीं हूँ तो मैं इस गांव का नाम प्रोनाउंस थोड़ा करने में मेरे को बहुत प्रैक्टिस करना पड़ा। ये है फार्म, यहाँ पर एक छोटा सा कीड़ा होता है, उस कीड़े का जो बाल होता है ना, उसके बाल से यहाँ पर धागा बनता है, और जिसको रेशम का धागा बोला जाता है, उससे कपड़ा बनता है। आप लोग देखे होंगे सॉफ्ट जैसा कपड़ा बनता होगा और रेशम की तरह होता होगा, वो उसी कीड़े का ही बाल से बनता है। तो इस फार्म में हूँ मैं, और इस गांव का नाम है लाओ सोटुन, जो कि मेरे को 5 से 6 बार मेरे को प्रोनाउंस करना पड़ा, तब जाके मैं गाँव बोल पा रहा हूँ इस गाँव का नाम। और ये यहाँ पर बहुत अच्छा फार्म है, और जो कि मैं एक अपने नए दोस्त के पास आया हूँ, उसका नाम है फिदालिया। हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं इस फार्म में। देखो दोस्तों व्यूज़ देखो, यहाँ पे देखो कैसे यहाँ पे खेती करते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ये फार्म। ये हमारी फिदालिया दोस्त का घर है, ये वाला जो बिल्कुल सामने घर दिखाई दे रहा है जिसपे कपड़े डाले हुए हैं, वो वहाँ पे हमने अभी लंच किया था। इस टाइम पे 2 बज रहा है, और लंच करने के बाद ये फार्म में हम लोग घूम रहे हैं। यहाँ पे हमने चिकन खाया और चावल खाए और टमाटर की चटनी खाए। ये दोनों दोस्त हैं, एक का नाम है फिदालिया। देखो यहाँ पे ऐसा लगेगा ना, यहाँ पे यार ऐसे ऐसे पेड़ हैं जिसका तो नाम पता नहीं है, इस पर एक पत्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है। इधर चलें, इधर चलें, इधर और ऊंचे पे चलेंगे। अच्छा अच्छा, वहाँ पे आप अच्छा ये बताओ तुम डर क्यों रही हो? शर्मा रही हो, तुम डर नहीं रही हो, बस ये है कि शर्मा रही हो कि हाँ मैं कैसा लगेगा, है ना, है ना, शर्मा रही हो, बहुत शर्मीली हो। अच्छा जी, अच्छा, लेकिन मैंने तो ऐसा सुना है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग तो शर्मीले होते नहीं है, बहुत कुछ सब चीज़ खुल के करते हैं, खाते हैं खुल के, हंसते हैं खुल के, तो लोगों से दोस्ती करते हैं खुल के। हाँ तो तुम शर्मीली अलग, 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 अच्छा स्पेशल बोलो क्या बोल रहे हो। ये भी देखो, ये भी शर्मा जा रहा है। तो जो दोस्त है शर्मा रही है, बोल रही है कि कैमरे में नहीं आना चाहती मैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो मैं उसको इंट्रोड्यूस नहीं करा पाऊँगा आप लोगों से, क्योंकि वो शर्मा रही है, पर मेरे से पता नहीं क्यों दोस्ती कर ली। तो यहाँ पे हम लोग आए, और खाना खाने के बाद यहाँ पे हम लोग घूम रहे हैं, बहुत ही अच्छा फार्म है। तो मैंने सोचा कि दोस्तों आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये फार्म में छोटे छोटे ऐसे घर बने पड़े हैं,
और यहाँ पे गोभी और आलू बो रखे हैं। बोलो कैसा मौसम है? तो यहाँ का मौसम बिल्कुल क्लाउडी है और अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का ठंड है। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि तुम आ जाओ सामने, बोल दो। तुम तो शर्मा रही हो। अरे कोई कुछ नहीं होता यार, प्रॉब्लम है? अच्छा कौन, कोई या कोई दोस्त है बोलेगा? हाय, यहाँ पे मैं जब भी पहुँचा हूँ ना, कुत्तों ने सबसे पहले मेरा स्वागत किया है। भो बोलते हैं यार, समझ में नहीं आता। शायद ये बोलते हैं मेरी क्रिसमस बोलते हैं, तो मैं भी उन लोगों को मेरी क्रिसमस बोल देता हूँ, मेरी क्रिसमस टू यू बोल देता हूँ। तो वैसे भी कुत्ते भी बहुत बढ़िया हैं, आप लोग को मतलब मौका नहीं छोड़ेंगे वो लोग भी विश करने में, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का स्वागत करेंगे। कुत्ते से लेके बिल्ली तक आपका लोग यहाँ पे स्वागत करते हैं। कौन सा? अच्छा इसमें क्या है ये मट्टी में? नहीं नहीं, वो गाय का पोटी है, पर मिट्टी में बोया हुआ क्या है? कुछ नहीं है। तो ये पेड़ क्या है? इस पेड़ में क्या निकलता है? जो ऊन बनते हैं, जो रस्सी बनता है। अच्छा इसी पेड़ में? हाँ, इसी पेड़। और कीड़ा कहाँ होगा? होता है अभी तो नहीं है ना। अच्छा अच्छा, इसी पेड़ में वो कीड़ा होगा। हाँ, और इसी में ना एक फल होता है, वो कहते हैं ब्लैरी। और ये पेड़, इस पेड़ से वो धागा बनती है। तो इधर हो जाओ। इस पेड़ से में वो फ्रूट होता है, ब्लैकबेरी फ्रूट होता है। अच्छा इसी पेड़ में वो ब्लैकबेरी फ्रूट होता है, और इसी में वो कीड़ा होता है, उसमें से वो बनती है। हट जा भाई, हट जा। जाओ हट, मारो, हटो, जाओ। तो देख सकते हो ये कुत्ता मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, डंडा ले रखा हुआ बहुत बड़ा। ये आंटी आई, कुत्ते को भगा रही है। हाँ इस वाले में टाइटैनिक। अरे बोल यार, फिर नाव डूब जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगा। ये है, इधर हो जाओ इधर। हाँ ये वो है, ये ब्लैकबेरी। देखो दोस्तों, ये लकड़ी से मैं छू के बता रहा हूँ, ये पेड़ है और इसी पेड़ में वो कीड़ा होता है, और इसमें ही कौन सा फ्रूट? वो ब्लैकबेरी फ्रूट होती है। इसमें ब्लैकबेरी फ्रूट होता है। हाँ। और वो फ्रूट को खाते हैं? हाँ, फ्रूट को खाते हैं, ब्लैकबेरी है, छोटे छोटे अंगूर की। ब्लैकबेरी फ्रूट आप नहीं देखे होंगे, छोटे जैसे अंगूर होता है ना। हाँ हाँ। लेकिन अंगूर की तरह ही होता है, लेकिन वो ना बहुत छोटी 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 होती है। अच्छा हाँ, इसी में वो कीड़ा भी होता है। हाँ, इसी में वो कीड़ा, तो उस कीड़ा से धागा बनती है। और उसी धागे का स्वेटर वेटर, रेशम वाला धागा जो वो धागा पे कपड़ा जाती है, फैक्ट्री बनता है, फैक्ट्री में वो ही धागा यूज होता है कपड़े बनाने में। अच्छा हाँ। तो देखो दोस्तों, आप लोग नहीं जानते होंगे, इसी पौधे में कीड़ा होता है एक, जो कि अभी लगा नहीं है वो कीड़ा, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाता। ये थोड़ा पेड़ और बड़ा हो जाएगा ना, तो इसमें कीड़े लगेंगे, और फ्रूट भी होगा। तो पहले तो उस कीड़े को निकालेंगे, फिर वो फ्रूट को निकालेंगे, और उसके बाद उस कीड़े का फिर यहाँ पे खेती होता है, मतलब उसका धागा निकाला जाता है, और वो धागा निकाल के बेचते हैं, जो कि गाड़ियों में लोडिंग हो के जाता है, और बहुत ज़्यादा उससे मतलब यहाँ पे कमाई होता है। दोस्तों देख सकते हो ये रहा टावर, कौन है यार? देख सकते हो वो टावर दिखाई दे रहा है, वो BSNL का टावर है वहाँ पे, और अभी हम लोग वहीं पे गए थे पिछली वीडियो में शिलोंग पीक पे। और ये देख सकते हो आप लोग, पहाड़ कितना अच्छा है, और व्यू भी बहुत अच्छा मिल रहा है, पेड़ भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, और मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है यहाँ पे, देख सकते हो आप लोग। मैंने सोचा कि आप लोग को ये ब्लॉग दिखाऊं, तो इसलिए मैंने ब्लॉग बना लिया।
देख सकते हो ये पेड़ कैसा है। अभी ये थोड़ा सा बड़ा होगा फिर इस पे कीड़े अपने आप ही आ जाते हैं, पता नहीं कैसे। कौन सा पेड़ है? ब्लूबेरी जैसा बता रही थी। देखो दोस्तों कितना गहरी खाई है, नीचे बिल्कुल जंगल में जा रहा, घना जंगल एकदम बिहड़ जंगल। ये पेड़ देखो कितना अच्छा है और कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है पेड़, और इसमें बाल जैसे पत्ते हैं। यहाँ पे खड़े हो और वो सीन देखो कितना मस्त। हाँ बहुत बढ़िया सीन है यार, बहुत अमेजिंग। अब इन जंगलों से होते हुए मैं ऊपर जाऊंगा। हम लोगों ने अब फार्म देख लिया, अब जंगलों से होते हुए अब हम ऊपर जा रहे हैं रोड की तरफ। ओए कहाँ से निकलने का रास्ता है? कहाँ से रास्ता? रास्ता कहाँ से है? हाँ देखो इन वादियों को। हाँ क्या अच्छा है यार वादी। ये फुटबॉल ग्राउंड है ये। रुक ये देखो पता नहीं क्या ले रखी है, हाथ में फोटो खिंचवा रही है। चलो भागो पिता, कैमरे में आने में शर्मा रही है वो, पर बहुत अच्छी लड़की है वो भी, और वो अपने जा रही है कोचिंग पे। तो उसके पास एक घंटे का टाइम था तो उन्होंने बोला कि चलो हम आपको फार्म दिखाते हैं और फार्म में आप वीडियो बना लेना। यहाँ पे कब्रिस्तान पे आया पड़ा हूँ, और ये जो मेरी सोनिया फ्रेंड है जो दिल्ली की रहने वाली है, उसके एक्चुअली पापा नहीं है। यहाँ पे क्रिसमस में अपने पापा से विश करने आती है पापा को, क्योंकि ऐसा होता है इन लोगों में जो लोग मर भी जाते हैं तब भी वो लोग जब भी आते हैं कहीं से भी आएंगे वो लोग, तो यहाँ पे जब अपने गाँव में आते हैं तो अपने कब्र पर जाते हैं उनके, और यहाँ पर उनको फूल माला चढ़ाते हैं और प्रे करते हैं उनके लिए, और उनसे कुछ बातें करते हैं, कुछ उनसे अच्छी नई बातें, कुछ पुरानी बातें, ये सब बातें उनसे करते हैं ये लोग। तो यहाँ पे जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं जिन लोगों की भी डेथ होती है तो यहीं पे आके उनको दफन किया जाता है, और एक ताबूत बनाया जाता है उसमें उन लोग की डेड बॉडी को डाला जाता है और सीमेंटेड किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको वो चीज़ तो नहीं दिखा सकता, उसके पापा की कब्र मैं दिखा नहीं सकता, तो इसलिए मैंने दूर से आप लोग को ये दिखा दिया कि शमशान घाट कैसा होता है क्रिश्चियन लोगों का। यहाँ से रास्ता नहीं है उसमें जाने का शमशान घाट में? हम आपसे छुप रहे थे। तो हाँ मैं डर गया।
इसमें इसमें नहीं है वो हमारा है प्रेस्बिटेरियन, हमारा है एफजीएफ, फिर प्रेस्बिटेरियन आता, फिर कैथोलिक आता, फिर ये आती है संखासी। तो हम तीनों में वो होती है कब्र, मतलब दफन करते हैं, और इनमें वो हो जाते हैं जलाए जाते हैं। अच्छा, बस ऐसे में इनमें जलाया जाता और वैसे पत्थर बना देते फिर। अच्छा, इन लोगों मतलब जलाते हैं और जलाने के बाद वहीं पर पत्थर बना दिया जाता है, मतलब उस जगह को। अच्छा, सबका अलग अलग होता है। तो देख लिए दोस्तों, आप लोग को ये भी नहीं पता था कि कैसे कैसे होता है, सबका धर्म अलग अलग है। खैर, मैं यही चीज़ को तो खोजने निकला हूँ और यही चीज़ को मैं जानने निकला हूँ, और आप लोग को यही चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है, किस किस धर्म में। क्या कहते हैं इसे? क्या कहता है खासी में? इसका मतलब ये क्या है? ये किस याद में बना है? पत्थर तो है पर किसी याद में तो बना होगा। या